मेरे हर दे, मेरे हर दे, मेरे हर दे। भाग एक, भोला हरदेव। अलौकिक छटा थी, अलौकिक नजारा, धरा पे जब उतरा मधुर रूप प्यारा, जिसने भी देखा यही मुख से निकला, ये नूरानी चेहरा है दुनिया से न्यारा। फाल्गुन के महीने में जब प्रकृति वसंत ऋतु से धरती का नवश्रृंगार कर रही थी, फिजाओं में ताजगी छाई हुई थी, दिशाएं पुष्पित कलियों से सुगंधित हो रही थीं, ऐसे खुशनुमा मौसम में 23 फरवरी सन 1954 मंगलवार को शाम 5 बजे दिल्ली में पिता गुरबचन सिंह जी और माता कुलवंत कौर जी के आंगन में दिव्य आभा लिए एक बालक का जन्म हुआ। इस नए मेहमान के शुभागमन से सब जगह खुशी की लहर दौड़ गई, सारा वातावरण नव उल्लास से भर गया, घर आंगन नई रोशनी से जगमगाने लगा, चहुं ओर बधाइयों के स्वर गूंजने लगे। बालक के चेहरे का अलौकिक नूर हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। दादा निरंकारी बाबा अवतार सिंह जी, जो कि मिशन के तत्कालीन सदगुरु थे, जिन्हें सभी शहनशाह जी कहकर बुलाते थे, और दादी जगत माता बुद्धवंती जी आशीषों का खजाना लुटा रहे थे। नाना मन्ना सिंह जी व नानी सोमावंती जी भी अपने प्यारे नवासे को गोद में लेकर अति प्रसन्न हो रहे थे, संत हों या सगे संबंधी, सबके हृदय लाखों शुभकामनाएं लिए इस खूबसूरत नूरानी मुखड़े की बस एक झलक पाने के लिए उत्सुक नजर आ रहे थे। सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी इस बालक की दिव्यता को पहचान चुके थे। जब उन्होंने बच्चे का नाम हरदेव रखा तो हर दिलो जुबां से बस यही निकला कि ये बालक एक दिन हर हृदय का देव और हर जीवन का सहारा बनेगा। बालक की शालीनता सबका मन मोह लेती थी और शांत स्वरूप यही दर्शाता था कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। आपकी मासूमियत और भोलेपन को देखकर आपकी माता कुलवंत कौर जी लाड से आपको भोला कहकर पुकारने लगी। विशाल परिवार की आशीषों और मां की गुरमत भरी लोरियों का आनंद लेते हुए नन्हा भोला धीरे धीरे बड़ा होने लगा। दिव्य विभूतियों के गुणों की झलक बचपन में ही दिखाई देने लगती है। एक ऐसी शीतलता व आकर्षण उनमें दिखाई पड़ता है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। माता कुलवंत कौर जी के अनुसार भोला जी आम बच्चों से अलग एक आदर्श बालक थे। इनका उठना बैठना बोलचाल सब अति विनम्रता से भरा हुआ था। बड़ी शालीनता और मर्यादा के साथ ये बहुत ही धीरे बात करते थे। आपकी चारों बहनें आपके प्रति अपार स्नेह व सम्मान रखती थीं। उम्र में आपसे मात्र 2 वर्ष बड़ी बहन निरंजन जी अपने लाडले भाई को प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाती व आप उन्हें आदरपूर्वक बहन जी कहकर पुकारते। तीनों छोटी बहनें मनमोहन, मोहिनी जी, जगजीत, नक्खो जी एवं स्वर्ण बिंदिया जी आपको स्नेहपूर्वक वीर जी कहकर बुलाया करती थीं। गुरुमत के वातावरण में पले बढ़े आप सब भाई बहन इकट्ठे एक ही थाली में भोजन करना पसंद करते थे। आप सभी भाई बहनों द्वारा खेले जाने वाले खेल भी भक्ति और निरंकार की स्तुति से भरे होते थे। खेल का नाम होता था संगत संगत, जिसमें सब भाई बहन भवन के आंगन में अन्य बच्चों के साथ एकत्रित होते और ये नन्हे संत कविता, गीत, कहानी और विचार रूप में अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करते। आप शहनशाह जी के विचारों को भी दोहराया करते। भोला जी के दिव्य गुणों का स्मरण करते हुए बहन जगजीत जी बताती हैं कि वीर जी का प्रसन्न व शांत मन हमेशा निरंकार से जुड़ा रहता था। ये बचपन से ही बहुत कम बोला करते थे। इनका खामोश रहकर अपना कर्म करते रहना हजारों शब्दों से भी अधिक प्रभावशाली होता था। हालांकि
ये अपनी इच्छा कभी शब्दों से जाहिर नहीं करते थे, लेकिन इनके हृदय की आवाज दूसरों के मन तक बिना बोले ही पहुंच जाती थी। इन्हें कहीं जाना होता तो ये कुछ कहने की बजाय माताजी के आसपास चक्कर लगाने लगते, और जब माताजी हंसकर स्वयं ही पूछती, कहाँ जाना है, पूछने आए हो, तो आप मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देते। बचपन से ही आप में इस कदर पूर्ण समर्पण भरा हुआ था कि जब माताजी बड़े शौक से पूछती, मेरा भोला क्या खाएगा, तो धीमी आवाज में एक ही उत्तर मिलता, आप जो भी खिलाओगे। आपके मन में संपूर्ण सृष्टि के प्रति आदर सत्कार का भाव इस कदर था कि सजीव निर्जीव हर वस्तु के नाम के साथ जी लगाकर संबोधित करते थे, जैसे पंखा जी, कुर्सी जी, डॉगी जी आदि। आप में छोटी आयु से ही धैर्य और संतोष के भाव भी स्पष्ट दिखाई देते थे। यदि कुछ मिल गया तो भी खुश, नहीं मिला तब भी प्रसन्न। यदि माताजी बाजार से सिर्फ बच्चियों के लिए वस्त्र इत्यादि ले आती, तब भी आपके मुख से कभी ये नहीं सुना कि मेरे लिए क्यों नहीं लाए। बचपन के दिनों को याद करते हुए आपकी माताजी ने बताया, कोई भी छोटी या बड़ी चीज इन्हें दी गई, उसे इन्होंने खुशी से स्वीकार कर लिया। मेरे और तेरे का भाव इनके मन में कभी नहीं आया। बचपन से ही इनका स्वभाव बस देने ही देने वाला था, जैसा कि एक दाता का स्वभाव होता है। एक दिव्य बालक को जब रूहानियत से भरा वातावरण मिलता है तो देवत्व के बीज स्वतः प्रस्फुटित होने लगते हैं। भोला जी को भी गुरु परिवार के आंगन में बहने वाली ज्ञान गंगा से आध्यात्मिक संस्कार विरासत में मिलते रहे। सदगुरु के वचन के सम्मुख नतमस्तक होना भोला जी को जन्म से ही अपने परिवार में देखने सुनने को मिला। आपने अपने माता पिता को बड़े करीब से बाबा अवतार सिंह जी की सेवा करते हुए देखा, जिससे आपके मन में सदगुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास और समर्पण की भावना और गहरी होती चली गई। आपके घर आंगन में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की मूल शिक्षाएं हमेशा गूंजती रहती थीं कि मैंने तुम्हें नम्रता और प्रीत प्यार सिखलाया है, इससे उलट चलने वाले गुरु के शिष्य नहीं हो सकते। संतों की सेवा सत्कार का ढंग भी तुम्हें बता दिया है, इसे मानना आपका कर्तव्य है। आपकी दादी जगत माता बुद्धवंती जी एक आदर्श पत्नी व गुरु सिख होने के साथ साथ सेवा सत्कार की एक अद्भुत मिसाल थीं। वो भक्तों और सेवादारों के भोजन पकाने, वस्त्र धोने जैसी सेवाएं खुद अपने हाथों से करके खुश होती थीं। आपने उनका ये गुण बचपन से ही अपने दामन में डाल लिया। जब भी कोई सेवा चल रही होती तो आप भी सेवादारों को लंगर खिलाने व पानी पिलाने की सेवा में लग जाते। आपने अपने पिता श्री गुरुबचन सिंह जी को एक सेवादार की भांति सदगुरु के हर भाव को निष्ठापूर्वक पूर्ण करते देखा। आप भी अपने नन्हे हाथों से शहंशाह जी के पीछे खड़े होकर पंखा झुलाने की सेवा करते। आपकी माता कुलवंत कौर जी ममता व मिठास की मूरत थीं। उनकी समदृष्टि एवं मिलनसारिता की छाप आपके स्वभाव में भी दिखाई देती। आप संतों व सेवादारों के बच्चों के साथ बड़े अपनत्व से घुल मिल जाते और उनके साथ उठने, बैठने, खाने खेलने में प्रसन्नता महसूस करते। आपके चाचा श्री जोगिंदर सिंह नूर जी हास्य रस की रूहानी कविताओं से सबको भक्ति की गहराइयों के पाठ सहज ही पढ़ा देते थे। बुआ नंद कौर जी व चरणजीत कौर जी, फूफा भैया कुलवंत सिंह जी एवं भैया गोविंद सिंह जी, मौसी मान कौर जी एवं मौसा श्री हरबंस सिंह जी के सदगुरु के प्रति प्रेम, समर्पण व श्रद्धा भाव से आपका रोम रोम पुरनूर होता चला गया। आपकी नैतिक शिक्षा का आरंभ तो परिवार से ही हो चुका था और अब समय था सांसारिक विद्या के पथ पर आगे बढ़ने का। हालांकि आपके विषय में तो यही कहा जा सकता है कि सांसारिक शिक्षा तो आपके लिए
एक औपचारिकता मात्र थी। आपका जन्म तो आध्यात्म की बारीकियों को अपने जीवन से दर्शाकर मानव मात्र का पथ प्रदर्शन करने के लिए हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा संत निरंकारी कॉलोनी के निकट स्थित रोजरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई। बचपन से ही आपका स्वभाव प्रेम व अपनत्व से भरा था। आप घर से जो भी भोजन लेकर जाते उसे हमेशा मित्रों के साथ मिल बांट कर ही खाते। यदि सहपाठी बिना बताए ही आपके टिफिन का भोजन खा लेते तब भी आपके चेहरे पर कोई नाराजगी का भाव नजर नहीं आता था। आपका मधुर स्वभाव सहपाठियों और शिक्षकों का दिल जीत लेता था। एक प्रतिभावान विद्यार्थी होने के साथ साथ आप एक कुशल खिलाड़ी भी थे। हर रोज निरंकारी कॉलोनी के समीप स्थित सरोवर के सामने वाले मैदान में खेलने जाते थे। शुरू से ही आपके हृदय में धैर्य और विशालता भरी हुई थी। एक बार एक बच्चे ने बड़े जोश से आस्तीन चढ़ाकर आपको चुनौती दी। भोला जी, इस खेल में तो मैं ही जीतूंगा। फिर भी आप बिना उत्तेजित हुए बड़े शांत भाव से खेले और जीते भी। परंतु विजयी होने पर भी आप में लेश मात्र भी विजेता होने का एहसास दिखाई नहीं पड़ा। आपके कोमल मन में उस समय भी यही भाव था कि कहीं जीत की खुशी जाहिर होने से हारने वाले का दिल न दुख जाए। गर्मियों के मौसम में जब खेलते खेलते गर्मी लगती तो आप सभी मित्रों को अपने घर ले आते और उन्हें अपने हाथों से ठंडा शरबत बनाकर पिलाते। आपका सेवा भाव मित्रों का भी मन मोह लेता। एक बार आपने शरबत बनाया और एक ऐसे बच्चे को बांटने के लिए कहा जिसके प्रति सब घृणा का भाव रखते थे। एक क्षण तो सब बच्चे हतप्रभ रह गए, लेकिन भोला जी का अनुसरण करके सबने बिना किसी हिचक के उस बच्चे के हाथ से शरबत पी लिया। भोला जी के सहज में किए गए इस कर्म से जहां बच्चों में भेदभाव की भावना मिटी, वहीं उस बच्चे के मन में आत्मसम्मान की भावना भी जागृत हुई। आपके निवास स्थान संत निरंकारी सत्संग भवन निरंकारी कॉलोनी में प्रतिदिन 2 या 3 बार सत्संग का आयोजन होता था। भोला जी का निर्मल मन इस आध्यात्मिक वातावरण में बहुत अधिक रमता था। आप अन्य बच्चों को साथ लेकर साध संगत के लिए दरिया बिछाना, संगत को पानी पिलाना, संतों की चप्पलें सही तरीके से लगाना आदि सेवाओं में खुशी खुशी अपनी रुचि दिखाते। जब आप प्रारंभिक शिक्षा ही ग्रहण कर रहे थे उसी दौरान शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने मिशन की बागडोर आपके पिता गुरुबचन सिंह जी को सौंप दी और आशीर्वाद दिया कि अब से बाबा गुरुबचन सिंह जी एवं राजमाता कुलवंत कौर जी मिलकर सत्य की आवाज को आगे बढ़ाएंगे। शहंशाह जी ने राजमाता जी से निवेदन किया कि आप भी बाबा गुरुबचन सिंह जी की कल्याण यात्राओं में साथ रहकर सत्य संदेश पहुंचाने में अपना पूर्ण सहयोग दें। आप इस बात की चिंता ना करें कि आपके बच्चे अभी छोटे हैं। आप मानव कल्याण का काम करें, निरंकार प्रभु आपके काम करेगा। गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए बाबा गुरुबचन सिंह जी और राजमाता कुलवंत कौर जी ने स्वयं को मानवता के कल्याण हेतु समर्पित कर दिया। अब वो निरंकारी मिशन के रहनुमा थे और जन जन के आध्यात्मिक उत्थान की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। आपके दादा बाबा अवतार सिंह जी सहित समूचा निरंकारी परिवार अब बाबा गुरुबचन सिंह जी को सदगुरु मानकर उनके सम्मुख श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होने लगा। आपकी नानी माता सोमावंती जी भी बाबा जी के चरण स्पर्श कर विनती करने लगी कि हमसे आपके प्रति दामाद रूप में कभी कोई भूल या अवज्ञा हुई हो तो आप क्षमा करना। तब से वो अपनी बेटी को भी सदगुरु की पत्नी होने के कारण गुरु माता के रूप में ही देखने लगी। आप सब भाई बहनों के मन में ये बात बचपन से ही बस चुकी थी कि माता पिता के रिश्ते से पहले सतगुरु व गुरुसिख का रिश्ता होता है जो हर रिश्ते से बड़ा होता है। शहंशाह जी के आशीर्वाद से निरंकारी राजमाता जी बाबा गुरुबचन सिंह जी के साथ
कदम से कदम मिलाकर मिशन के प्रचार प्रसार के कार्यों में अपना पूरा सहयोग देने लगीं। आपकी नानी माता सुमावंती जी भी कुछ अन्य सेवादारों को साथ लेकर आप भाई बहनों की देखभाल करने लगीं। एक बार 4 माह की लंबी कल्याण यात्रा पर जाने से पहले राजमाता जी के मन में विचार आया कि अब हम इतने लंबे समय तक बच्चों से दूर रहेंगे। तब बाबा गुरुबचन सिंह जी ने उनके मन की बात को भांप कर तुरंत कहा, अब ये सिर्फ 5 बच्चे ही आपका परिवार नहीं है, सारी संगत ही आपका परिवार है। आपकी बहन निरंजन जी के अनुसार, यद्यपि अनेक अवसरों पर हम भाई बहन माता पिता से दूर रहे, किंतु बाबा जी और राजमाता जी का जितना भी कीमती समय हमें मिलता वो हमारे लिए बहुत अनमोल और लाभदायक होता। सन 1963 से सन 1969 तक लगभग 6 वर्ष का समय आपके लिए जहां घर से दूर रहकर पटियाला में शिक्षा प्राप्त करने का रहा, वहीं ये समय सांसारिक जीवन की ठोस सच्चाइयों से परिचित होने का भी रहा। दिनांक 11 फरवरी सन 1963 को भोला जी का दाखिला यादविंद्रा पब्लिक स्कूल पटियाला में करवाया गया। स्कूल के रजिस्टर में आपका नाम हरदेव सिंह सेठ दर्ज होने के कारण आपके सहपाठी व अध्यापकगण आपको सेठ जी कहकर पुकारते। उन दिनों हरदेव सिंह जी स्कूल के हॉस्टल मोहिंद्रा हाउस में रहा करते थे। हॉस्टल में रहने वाले कर्मचारी हों या सहपाठी, आपका व्यवहार सभी के प्रति प्रेम व करुणा से भरा था। यदि कोई विद्यार्थी हॉस्टल में बीमार पड़ जाता तो आप उसकी देखभाल में जुट जाते, आवश्यकता पड़ने पर किसी को अपने वस्त्र भी पहनने को दे देते, लेकिन आप हर जरूरतमंद की मदद हमेशा खामोश रहकर कुछ इस तरह करते कि कहीं उसके आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे। धीरे धीरे स्कूल में आप सबके लिए उदारता और सौहार्द की एक मिसाल बन गए। अक्सर हॉस्टल में राजमाता जी का प्यार दुलार भरा पत्र आता। उन पत्रों में वो जहां आपकी पढ़ाई व सेहत का हालचाल पूछती, वहीं गुरुमत से भरी शिक्षाएं भी देती रहती। उनके भक्तिभाव से भरे पत्रों के आरंभ में आपके पावन चरणों में धन निरंकार और अंत में आपकी चरण धूल भुल्लनहार कुलवंत लिखा होता। अपनी माताजी के पत्रों से जिन नैतिक मूल्यों की शिक्षा आपको मिली वो आपके कोमल मन पर निरंतर अंकित होती गई। एक बार एक अध्यापक आपके हॉस्टल के कमरे में आए तो आपने स्वभाववश उनके चरण स्पर्श किए, उन्हें सम्मान पूर्वक ऊपर बिठाया और स्वयं नीचे जमीन पर बैठ गए। आपके इस विनम्र स्वभाव से वो शिक्षक बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने न केवल आपको आशीर्वाद दिया बल्कि अन्य अध्यापकों से भी आपके इस सद्गुण की चर्चा की। हरदेव सिंह जी को अपनी खुशी से ज्यादा औरों की खुशी का ध्यान रहता था। स्कूल के एक मित्र के अनुसार, जब मैं स्कूल में नया नया आया तो एक शाम सभी विद्यार्थी खेलने के लिए ग्राउंड में चले गए। मैं सबसे परिचित न होने के कारण और कुछ घर की याद आने के कारण खेलने नहीं गया और उदास होकर बरामदे में ही बैठा रहा। हालांकि सेठ जी को खेलने का बहुत शौक था, लेकिन वो मुझे अकेला देखकर मेरे पास ही आकर बैठ गए और खेलने नहीं गए ताकि मैं अकेलापन महसूस न करूं। मैं उनके इस व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने हमेशा दूसरों के मन की बात को समझा और उनका साथ दिया, कभी भी अपनी इच्छाओं को आगे नहीं रखा। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हरदेव जी में जहां किशोरावस्था में ही अनेक दिव्य गुण मुखरित होने लगे, वहीं कुछ नवीन रुचियां भी उजागर होने लगीं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और वॉलीबॉल आदि खेल आपको विशेष रूप से पसंद आते थे। हार और जीत की भावना से ऊपर उठकर खेलने वाले सच्चे खिलाड़ी के गुण किशोर हरदेव में स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे। विद्यालय में आपने शिक्षा के साथ साथ खेल कूद से जुड़ी अन्य गतिविधियों जैसे घुड़सवारी, तैराकी, फोटोग्राफी आदि में भी निपुणता हासिल की।
यहीं आपके जीवन में पर्वतारोहण की एक नई रुचि भी उत्पन्न हुई, जो आगे चलकर बिना रुके बिना थके प्रत्येक कार्य को साहसपूर्ण ढंग से करने में सहायक बनी। विज्ञान एवं तकनीक के प्रति भी आपकी गहरी रुचि थी। आपकी सूक्ष्म दृष्टि क्षण भर में नए आविष्कारों की गहराई तक पहुंच जाती। आपकी इस विशेष क्षमता का अद्भुत रूप आगे चलकर उस समय देखने को मिला जब आपने दिव्य यात्रा संग्रहालय और एकत्व के फव्वारे का निर्माण करवाया। पटियाला में शिक्षा के दौरान आपको गुरुमत के सांचे में ढले हुए महान संत अमर सिंह जी के सानिध्य में रहने का मौका मिला। उनके मर्यादित व अनुशासित जीवन का आपके बाल मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। आप सत्संग के लिए हर शुक्रवार शाम को स्कूल के हॉस्टल से स्थानीय सत्संग भवन आ जाते और सोमवार प्रातः वापस चले जाते। भवन पर सत्संग करना, सेवादारों के संग बैडमिंटन फुटबॉल आदि खेलना, हंसना हंसाना, ये सब आपको अति प्रिय था। आपको स्कूल से लाने व ले जाने की जिम्मेदारी एक रिक्शा चालक महापुरुष की थी। आपका दयालु हृदय बुजुर्ग रिक्शा चालक संत को कठोर श्रम करता देख करुणा से भर जाता। जब धूप ज्यादा होती तब आप अपनी छतरी उनके सिर पर कर देते। एक आध बार तो ऐसा भी हुआ जब आपको लगा कि वो कुछ अस्वस्थ हैं तो आप कह उठे, चाचा जी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप मेरी जगह बैठिए, मैं रिक्शा चलाता हूं। ऐसा कहकर आप उनको पीछे बिठाकर स्वयं रिक्शा चलाने लगे। आपका अपनत्व से भरा दयालु हृदय सभी के दिलों को छू लेता था। बचपन से ही आपको भक्ति गीत पसंद थे। जब कभी भी सत्संग में बोलने का अवसर मिलता तो अक्सर आप भाव विभोर होकर ये गीत सुनाते। दिया है तूने नफीस तोहफा, कदर करें हम हमें कदर दे, समझ सकें हम तुम्हें खुदाया, हमारी नजरों को वो नजर दे। हरदेव सिंह जी में जहां सागर जैसी गंभीरता व ठहराव था, वहीं आपके स्वभाव में विनोदी प्रवृत्ति की भी भरपूर झलक मिलती थी। आपका हास्य बोध कमाल का था, जो समय अथवा मौके के अनुसार वातावरण में हास्य रस भर देता था। आप केवल एक वाक्य बोलकर ही सामने वाले को हर्षित कर देते थे। जैसे एक बच्चे ने आपसे पूछा, चाय या कॉफी, आपने मुस्कुराकर उत्तर दिया, चाय ही कॉफी है। आपकी हंसी हंसी में कही हुई बातों में भी भक्ति के गहरे रास छिपे होते थे, जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाया करते थे। एक शब्द के अनेक अर्थपूर्ण शब्द बनाकर जीवन की गहराई को समझा देने की प्रवृत्ति आप में शुरू से ही थी। एक बार किसी ने यह कहा कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो आपने तुरंत कहा, इस बात को इस तरह से भी कहा जा सकता है कि दाने दाने पे लिखा है देने वाले का नाम। इससे आप अहंकार से भी बचे रहेंगे और निरंकार भी याद रहेगा। हरदेव जी को सबके साथ शालीनता पूर्वक हंसी मजाक करना तो पसंद था, किंतु किसी पर हंसना या किसी के बारे में कोई हल्की बात सुनना पसंद नहीं था। एक बार की बात है, कुछ हम उम्र साथी एक साथ बैठकर किसी के बोलने के ढंग का उपहास कर रहे थे। आप उसी समय उस स्थान से उठकर चले गए। सब आपके हाव भाव से ही समझ गए कि आपको ये अच्छा नहीं लगा। इस तरह बिना बोले ही आप बहुत सी नेक शिक्षाएं दे दिया करते थे। निरंकार सदगुरु पर आपका विश्वास अटल था। आप सबसे बड़ा सहारा निरंकार प्रभु को ही मानते थे। एक बार बहन जगजीत जी की तबीयत ठीक ना होने के कारण वो अचेत सी हो गईं। सदगुरु बाबा गुरुबचन सिंह जी एवं राजमाता जी साथ वाले कमरे में विश्राम कर रहे थे। आपने उस समय उनको जगाना उचित ना समझा। आपने सदगुरु से मिली शिक्षा के अनुसार स्वयं ही जोर जोर से बोलकर सुमिरन करना शुरू कर दिया। आपके इस अटूट विश्वास से थोड़ी ही देर में बहन जी स्वस्थ होकर बैठ गईं। एक आदर्श भाई की जिम्मेदारी आप बड़ी कुशलता से निभाते।
अपनी बहनों का ख्याल रखना एवं उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेरना आप अपना दायित्व समझते थे। अक्सर बहनों को प्रसन्न करने के लिए उनके नामों पर गीत रच देते और मेज को ढोलक की तरह बजाकर गाकर सुना भी देते। आपने परिवार के हर सदस्य का एक प्यारा सा उपनाम भी रखा हुआ था। बहनों के हृदय में भी अपने भाई के लिए अत्यधिक स्नेह व सम्मान था। आपकी कर्तव्य निष्ठा का स्मरण करते हुए बहन मोहिनी जी ने बताया, एक बार हम सब कहीं बाहर घूमने गए तो मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं गाड़ी में ही सो गई और एक घंटे बाद जब सोकर उठी तो मैंने देखा कि वीर जी गाड़ी के बाहर ही खड़े थे। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि बाकी सब लोग साइकिलिंग के लिए चले गए थे लेकिन आप अकेली थीं, इसलिए मैं बाहर खड़ा रहा। हर किसी की जरूरत को बिना बोले समझ लेना, सबका अच्छे से ध्यान रखना और सबसे रिश्ते निभाना आपके स्वभाव में शामिल था। आप एक आदर्श एवं पूर्ण गुरसिख थे। इसका प्रमाण उस समय भी देखने को मिला जब एक बार दिल्ली के वार्षिक संत समागम के दौरान समागम ग्राउंड में आप सेवा कर रहे थे। तभी आपको पता चला कि बाबा गुरबचन सिंह जी और राजमाता जी समागम ग्राउंड में दर्शन देने आए हैं और अपने रिहायशी टेंट में हैं। ये सुनकर आपने भी बाबा जी से मिलना चाहा। एक सेवादार महापुरुष ने, जो आपको नहीं पहचानता था, आपको अंदर जाने से रोक दिया। उसकी बात मानकर आप वहीं खड़े हो गए। आप चाहते तो अपना परिचय देकर अंदर जा सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया और उनका वचन मानकर गुरुमत की मर्यादा का पालन किया। आपकी विनम्रता को देखकर ऐसा लगता था मानो आपके जीवन का ध्येय न केवल सद्गुरु की आज्ञा का पालन है, बल्कि हर संत के वचन को सत वचन कर मानना है। बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ कई बार आपको स्कूल की छुट्टियों में कल्याण यात्राओं पर जाने व सेवा करने का मौका मिल जाता था। एक आदर्श पिता की भांति बाबा गुरबचन सिंह जी समय की पाबंदी और पल पल के सदुपयोग के प्रति भी बच्चों को जागरूक करते रहते थे। एक बार आपको हॉस्टल से दिल्ली घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई और आप सुबह देर तक सोते रहे। जागने के बाद बाबा गुरबचन सिंह जी ने आपको प्यार से समझाते हुए कहा, आप हॉस्टल की तरह यहां भी कोशिश करके सुबह 5:30 बजे उठ जाया करें। आपके लिए यहां पर कई प्रकार की सेवाएं सोची हुई होती हैं। सहज में कही हुई इस बात का आप पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तब से आप प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे उठने लगे। भले ही रात को कितनी ही देर से क्यों ना सोए हों, आपने हमेशा सदगुरु की आज्ञा को सर्वोपरि रखा और सदगुरु के हर आदेश को जीवन का अभिन्न अंग बनाया। आपके पिता बाबा गुरबचन सिंह जी का सिखाने का ढंग बड़ा निराला था। वो घर गृहस्थी के कामों को भी सेवा समझकर करने की सीख देते थे। उनकी सदैव यही चेष्टा रहती थी कि बच्चों को आत्मनिर्भर व कर्मठ बनाया जाए और उन्हें अनावश्यक सुख सुविधाएं देने में संकोच किया जाए, ताकि वे आने वाले जीवन में हर प्रकार की परिस्थितियों का सामना कर सकें। इसके लिए वो बच्चों को अपने काम काज खुद करने के लिए प्रेरित करते। इतना ही नहीं, रेलगाड़ी के भी साधारण डिब्बों में यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करते। एक बार हरदेव जी स्कूल की गर्मी की छुट्टियां बिताकर दिल्ली से वापस पटियाला जा रहे थे। आपको हॉस्टल तक पहुंचाकर आने की सेवा एक महात्मा को सौंपी गई। बड़ी मुश्किल से एक पुरानी गाड़ी से वो रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन से फिर भीड़ भरी ट्रेन में चढ़कर किसी तरह राजपुरा पहुंचे। राजपुरा से बस में कोई सीट न मिलने के कारण बस के दरवाजे पर ही खड़े रहकर वो पटियाला पहुंचे। जब वो सज्जन वापस लौटकर दिल्ली आए तो बाबा गुरबचन सिंह जी ने उनके उतरे हुए चेहरे को देखकर पूछा, ठीक ठाक पहुंच गए थे? महात्मा से रहा ना गया और वो बाबा जी से कहने लगे, बाबा जी, एक बात समझ में नहीं आई कि इतनी महान विभूति का बेटा इस तरह गाड़ियों और बसों में धक्के क्यों खाए? क्या सेठ साहब को एक अच्छी सी कार पटियाला तक छोड़ने नहीं जा सकती थी?
बाबा गुरुबचन सिंह जी ने कहा, क्या संसार में ऐसे बच्चे नहीं हैं जो रोज ऐसी मुश्किलों का सामना करते हैं? बच्चों को इतना नाजुक नहीं बनाना चाहिए, उन्हें अपने देश और समाज के हालात से वाकिफ होने देना चाहिए। इंसान को हर वातावरण में अपने आप को ढालने की आदत डालनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये बच्चे कड़ी मेहनत करके जीवन की ठोस सच्चाइयों से अवगत हों। जब ये कर्म के क्षेत्र में संघर्ष रूपी अग्नि में से तप कर निकलेंगे तो निखर कर सामने आएंगे। बच्चों को कभी ये एहसास नहीं करवाना चाहिए कि वो किसी व्यक्ति विशेष की संतान हैं और इसलिए उन्हें कुछ विशेष रियायतें या सुविधाएं मिलना ही चाहिए। राजमाता जी ने भी हर बच्चे को छोटी उम्र से बस यही शिक्षा दी कि कभी भी भूल कर भी मन में ये बात मत आने देना कि तुम गुरु परिवार से ताल्लुक रखते हो, इसलिए तुम विशेष हो। अगर अपनी पहचान बनानी है तो साध संगत की चरण रज बन करके अपनी पहचान बनाओ। उन्होंने हमेशा न केवल मर्यादा का पाठ पढ़ाया बल्कि उम्र व रुतबे को दरकिनार रखते हुए सभी को सत्कार देने का भाव भरा। अपने बच्चों को सेवादारों के प्रति भी यही भावना रखने की प्रेरणा दी। ये सेवादार आपके सिर के साहिब हैं, ये अपने घरों को छोड़कर आए हैं। यदि कभी इनके प्रति सम्मान में अनजाने में भी भूल हो जाए तो माफी मांगने में जरा भी गुरेज ना करें। जिस नौजवान को बचपन से ही कठिन परिश्रम करने, सादगी और नम्रता से भरा मर्यादित जीवन जीने की शिक्षा मिली हो, वो निश्चित रूप से जीवन के हर उतार चढ़ाव में एक रस और सहज रह सकता है। हर देव जी ने कभी सदगुरु बाबा गुरुबचन सिंह जी की संतान होने के कारण किसी विशेष अधिकार या सत्कार की किंचित मात्र भी अभिलाषा नहीं रखी, बल्कि यदि किसी महापुरुष के द्वारा अन्य बच्चों को आपके प्रति विशेष ध्यान देने को कहा जाता तो आप उन्हें ऐसा करने से रोक देते। एक बार एक ज्ञान प्रचारक महात्मा आपसे मिलने के लिए यादविंद्रा स्कूल गए और आपके चरणों पर शीश रखकर नमस्कार किया तो आपके मुख से सहज ही निकल पड़ा, भाई साहब जी आप ऐसा ना किया करें, आप तो ज्ञान प्रचारक भी हैं, दास तो कुछ भी नहीं है। सरल हृदय होने के नाते आपको मान सम्मान से दूर साधारण गुरसिक के रूप में स्वयं को पेश करना अति प्रिय लगता था। 17 सितंबर सन 1969 को शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के ब्रह्मलीन होने के कुछ समय पश्चात आप दिल्ली आ गए।